फर्जी सांसद प्रतिनिधि बनकर पति पत्नी ने व्यापारी को किया ब्लैकमेल, पुलिस ने लिया ये एक्शन। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक व्यक्ति अपनी ही बीवी के साथ मिलकर हनी ट्रैप जैसा घिनौना काम कर रहा था। व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ मिलकर एक प्राइवेट कंपनी के मालिक को बलात्कार के आरोप में फंसाने की कोशिश कर रहा था। आरोपी खुद को इंदौर के सांसद का प्रतिनिधि बता रहा था। आरोपियों ने पहले पीड़ित को ब्लैकमेल किया और 40 लाख रुपए वसूल लिए। वहीं अब कंपनी के मालिक ने इस आरोपी महिला से परेशान होकर पुलिस की शरण ले ली है। इस मामले में पुलिस ने पहले आरोपी महिला फिर उसके पति को गिरफ्तार किया है। इधर मामले में जब पुलिस ने खुद को सांसद प्रतिनिधि बताने वाले आरोपी के संबंध में सांसद से जानकारी जुटाई तो सांसद ने लेटर हेड पर लिख कर दिया कि उपरोक्त आरोपी उनका प्रतिनिधि नहीं है। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की, जिसके बाद कार्यवाही करते हुए आरोपी और उसकी पत्नी को धर दबोचा। कंपनी के मालिक ने इस दौरान पुलिस को सब कुछ बताया। फरियादी ने पुलिस को बताया कि 3 अक्टूबर 2023 को आरोपी महिला अपने पति का घर छोड़कर राहुल के साथ रहने लगी थी। दरअसल महिला ने उसे बलात्कार के केस में फंसाने की धमकी दी थी और अपने को साथ रखने का दबाव बनाया था। फरियादी ने बताया कि उसने महिला को रहने के लिए घर भी दिलवाया था। इधर आरोपी महिला के पति ने अगले ही दिन 4 अक्टूबर को थाने में अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी, जिसके बाद दोनों ने तलाक का आवेदन भी दिया। इधर ये महिला 1.10 करोड़ की कीमत वाले मकान को अपने नाम करवाने के लिए दबाव बनाने लगी, जिससे परेशान व्यापारी ने महिला के खिलाफ लसूड़िया थाने में केस दर्ज करवाया। पुलिस ने 3 महीने तक मामले की जांच की और आखिरकार महिला पर हनी ट्रैप के तहत केस दर्ज करके उसे जेल भेज दिया। पकड़े गए आरोपी का नाम अजय राजपूत है और वो एक कंपनी में मैनेजर हैं। अजय की बीवी ने ही एक कारोबारी को अपने जाल में फंसाया। धीरे धीरे महिला ने व्यापारी से लाखों रुपए वसूले, जो अजय के खाते में ही गए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।